हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है। वैसे हर वीडियो कमाल का ही होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है भैया UMTS, मतलब यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आज जानने वाले हैं। मैं पहले तो इसके कुछ फीचर्स आपको बता दूंगा, जिससे कि आपके माइंडसेट में एक थोड़ी सी आइडिया बैठ जाएगी कि भैया UMTS क्या है। फिर उन्हीं फीचर्स को मैं इस आर्किटेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, इस आर्किटेक्चर का फ्लो एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पार्ट का फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। और हर बार की तरह ये एक्सप्लेनेशन इजीएस्ट होने वाला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूं। तो पहले तो शुरुआत करते हैं भैया, ये जो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके फीचर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड विद UMTS इज दैट कि ये थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज अ 3G टेक्नोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट जो आपको पता होना चाहिए, जो सेकंड फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वो ये है कि इट इज बेसिकली UMTS जो है ये टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीके से किसको सपोर्ट करती है, आपके सर्किट स्विच्ड ट्रांसमिशन एंड पैकेट स्विच्ड ट्रांसमिशन, इन दोनों को ये सपोर्ट करता है। UMTS एक तरीके से सर्किट स्विच ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, पैकेट स्विच ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। तो ये दो की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब भी यूजर आपका कनेक्टअप होता है नेटवर्क के साथ, तो वो उसकी दो ही मांगे हो सकती हैं। एक तो उसे किसी के साथ कॉल पे बात करनी होगी, या फिर दूसरी बात उसे इंटरनेट को एक्सेस करना होगा, डेटा के ऊपर ऑपरेटअप करना होगा, या डेटा के साथ डील करना होगा। तो रिमेंबर, जब भी उस पर्टिकुलर यूजर को किसी के साथ कॉल बात करनी होती, मतलब कॉलिंग करना होता है, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा? इट विल यूज द सर्किट स्विच्ड ट्रांसमिशन। ये जो आपका सिस्टम है, ये क्या यूज करेगा? सर्किट स्विच ट्रांसमिशन। और जब भी आपका जो यूजर है वो डेटा मांगता है, उसको डेटा से डील करना है, तब आप यूज करोगे पैकेट स्विच ट्रांसमिशन। पैकेट स्विच ट्रांसमिशन क्यों? बिकॉज आपका जो भी डेटा होगा वो पैकेट फॉर्मेट में डिवाइडेड होगा, पूरा डेटा आपका पैकेट्स में डिवाइडअप हो जाएगा, और उस तरीके से ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग आपका इन द फॉर्मेट ऑफ पैकेट ही होगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने फीचर्स बताया, ये जो मैंने सर्किट स्विचिंग बताया, जो पैकेट स्विचिंग बताया, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ विद दिस आर्किटेक्चर, ठीक है। पहली बात तो ये पूरा आर्किटेक्चर आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से तीन पार्ट? यूजर इक्विपमेंट, दिस इज उत्तरण, यू कैन से उत्तरण, ओके उत्तरण, एंड देन CN इज देयर। अब ये उत्तरण क्या है? व्हाट इज दिस? इज द वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अ ब्रेन ऑफ योर UMTS, इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ योर UMTS, ठीक है। इट इज नथिंग बट UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। क्या है ये? UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। इट सर्व्स लाइक अ ब्रेन ऑफ योर होल UMTS सिस्टम। अभी आता है दूसरा पार्ट CN के ऊपर। ये CN क्या है? इट इज नॉट कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज द कोर नेटवर्क। ये आपका कोर नेटवर्क है, बराबर। अभी इसके एक एक अंदर जाते हैं, इसके कंपोनेंट को समझते हैं, इसका फ्लो को समझते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो यूजर इक्विपमेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका एक मोबाइल फोन है, बराबर, उसके अंदर आपने सिम डाल दिया, मोबाइल फोन के अंदर सिम डाल दिया, ये बन गया आपका यूजर इक्विपमेंट। मतलब आपके पास सबसे पहले फोन था, दैट इज आपका मोबाइल इक्विपमेंट था, बराबर, उसमें आपने क्या कर दिया, यूजर का सिम डाल दिया, तो वो बन गया आपका यूजर इक्विपमेंट, बराबर, सिंपल सी बात है। तो ये जो है आपका यूजर इक्विपमेंट, ये उत्तरण जो है उससे कनेक्ट अप करता है, ये उत्तरण जो है उसके साथ कनेक्ट करता है, उसको रिक्वेस्ट सेंड करता है। लेकिन सबसे पहले इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है जिसके साथ आपका यूजर इक्विपमेंट कनेक्ट करता है, वो है नोड बी, वो है नोड बी। तो ये नोड बी क्या है? इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ द BTS। अगर आपने GSM में BTS ऑब्जर्व किया होगा, GSM आर्किटेक्चर में जो BTS होता है, इट इज जस्ट सेम लाइक टू दैट, बस उसका नाम बदल दिया है, यहाँ पे उसका नाम रख दिया नोड बी, ठीक है। अब ये जो आपका यूजर इक्विपमेंट है, ये नोड बी को कनेक्ट करता है बाय यूजिंग अ UU इंटरफेस, बाय यूजिंग UU इंटरफेस। अभी एक बार इसने कनेक्ट कर दिया, तो इसने समझ लो कुछ रिक्वेस्ट दी, रिलेटेड विद वॉइस कॉल हो सकता है या फिर डेटा हो सकता है, बराबर। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट देता है, ये फिर वो रिक्वेस्ट कहां फॉरवर्ड करता है या फिर कहां आगे कनेक्टअप होता है, इट इज कनेक्टेड टू RNC। जैसे मैंने कहा कि ये जो उत्तरण है, इट इज नथिंग बट रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो यहां पे आपको एक कंट्रोलर भी लगेगा उस नेटवर्क का, तो दैट इज व्हाट इट इज, अ रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, इट इज अ रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपली आप कनेक्टअप होते हो नोड बी के साथ, नोड बी कनेक्टअप होता है RNC के साथ, एंड RNC कैन बी कनेक्टेड विथ मेनी ऑफ द नोड बी। मतलब जैसे यहां पे सिर्फ मैंने दो ही दिखाए, यहां पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं नोड बी, विच आर कनेक्टेड टू RNC बाय एन इंटरफेस LUB, मतलब यूजिंग द LUB इंटरफेस आपका नोड बी जो है RNC से कनेक्टेड होता है इन उत्तरण, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए, RNC तक पहुंच गए, ओके। अभी एक ऐसा फीचर जो ना GSM में था, ना प्रीवियस किसी भी टेक्नोलॉजी में था, ना कहीं था, वो है ये एक इंटरफेस, ये नया इंट्रोड्यूस इंटरफेस जो कि आपको UMTS में देखने को मिलेगा, दैट इज नथिंग बट LUR।
दैट इज LUR। तो रिमेंबर, एक रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर दूसरे रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के साथ कनेक्ट अप कर सकता है बाय यूजिंग LUR इंटरफेस। दिस इज समथिंग न्यू दैट यू मस्ट नो, जो कि पहले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, LUR इंटरफेस। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक फ्लो आ गया, यहां तक आपकी रिक्वेस्ट आ गई। अब डिपेंडिंग आपकी रिक्वेस्ट किस बारे में है, क्या आपको कॉल करना है या फिर आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो आपकी रिक्वेस्ट किससे जुड़ी हुई है। अगर आपकी रिक्वेस्ट किसी को कॉल करने की है तो आपको कनेक्ट अप कर दिया जाएगा बाय और PSTN या फिर वॉइस नेटवर्क, जो कि इंटरनेशनल कॉल या फिर जो आपके लोकल कॉल है उसको हैंडल करता है वो वाला नेटवर्क, उसे कनेक्ट अप कर दिया जाएगा। बट उसको कनेक्ट अप करने के लिए ये बीच के मॉड्यूल पता होना बहुत जरूरी है आपको, और वो जो मॉड्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग द सर्किट स्विच इंटरफेस, सर्किट स्विचिंग इंटरफेस, दैट इज LUCS। तो ये जो CS है दैट इज नथिंग बट सर्किट स्विच, सर्किट स्विच। तो जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप वॉइस कॉल से डील कर रहे हो तो फिर ये RNC क्या करता है, डायरेक्टली कनेक्ट अप करता है आपके इस मॉड्यूल को, इस वाले मॉड्यूल को जो कि कोर नेटवर्क में प्रेजेंट है, बाय मेकिंग दिस इंटरफेस एक्टिव, बाय मेकिंग दिस इंटरफेस एक्टिव, दैट इज LUCS सर्किट स्विचिंग। एंड फिर वो कहां कनेक्ट अप करता है, आपके वॉइस नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी यहां पे अगर मैंने कनेक्ट अप कर दिया तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, जो कि आप देख पा रहे हो MSC जो कि आपका GSM का कंपोनेंट है, ये GMSC दैट इज नथिंग बट अ गेटवे फॉर MSC, एंड यूजिंग दिस गेटवे यू कैन जस्ट कनेक्ट अप विद द PSTN या फिर जो आपका वॉइस नेटवर्क है वहां पे आप कनेक्ट अप कर सकते हो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेटवे। ठीक है, तो ये फ्लो मैंने कौन सा बताया कि अगर आपको वॉइस कॉल करना होगा तो मतलब यहां से शुरू होगा, आपका नोड बी पे जाएगा, RNC पे जाएगा, RNC डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट वॉइस कॉल के लिए है, तो वो आपका जो LUCS इंटरफेस है उसको एक्टिव करेंगे, फिर वो MSC के पास जाएगा, MSC से गेटवे, एंड गेटवे से फाइनली आपका वॉइस नेटवर्क में चले जाएगा जहां पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, वो सपोर्ट करता है वॉइस कॉल्स को वो नेटवर्क। ठीक है, वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन बाय चांस अभी अगर दूसरा पहलू है, मतलब डेटा को एक्सेस करना है, डेटा के साथ डील करना है यूजर को, तो वो क्या करेगा, सेम फ्लो जाएगा, यहां से यहां कनेक्ट अप करेगा, RNC पे जाएगा, RNC आपका डिसीजन पॉइंट है, एक डिसीजन नोड है, यहां पे आके सब कुछ रुक जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है कि ये यूजर क्या चाहता है। अगर यूजर चाहता है डेटा को एक्सेस करना तो वो ये वाले इंटरफेस को एक्टिव कर देगा, कौन सा, LUPS, मतलब पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जैसे मैंने कहा था कि जब भी पैकेट स्विचिंग आता है वो डेटा के साथ जुड़ता है, डेटा के साथ डील करता है, तो आपने, आपका जो यूजर है वो चाहता है ये डेटा के साथ डील करना, तो वो RNC क्या करता है, ये वाला जो इंटरफेस है उसको एक्टिव कर देता है, LUPC को एक्टिव कर देता है, PS को एक्टिव कर देता है, एंड फिर इस मॉड्यूल में आता है जो कि कोर नेटवर्क को बिलोंग करता है। इस मॉड्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट नोड्स हैं, ये आपके दोनों सपोर्ट नोड्स हैं, बराबर। अभी ये जो सपोर्ट नोड्स, ये क्या करते हैं, आपके PDN दैट इज पैकेट डेटा नेटवर्क को कनेक्ट अप करते हैं। तो यहां पे आपका वॉइस नेटवर्क था, यहां पे आपका डेटा नेटवर्क है, बिकॉज आपको डेटा के साथ डील करना है। तो ये क्या है आपका फाइनली, जैसे यहां पे गेटवे था, यहां पे भी गेटवे, दिस इज अ गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। तो जो कि आपका ये गेटवे कहां पे कनेक्ट अप होता है, PDN पैकेट डेटा नेटवर्क के साथ कनेक्ट अप होता है। इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाई जाती है, आपको कॉल लगाया जाता है या फिर आपकी जो डेटा रिक्वेस्ट है वो पहुंचाई जाती है बाय यूजिंग दिस मेजर कंपोनेंट दैट इज अ RNC रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। यहां तक आपको पूरा अगर समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपको पसंद आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन UMTS के बारे में होनी चाहिए वो आप तक पहुंच चुकी है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ी सी भी मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ गए होंगे, ये जो मैंने आपको बताया ये आपके कहीं थोड़ा सा एग्जाम में काम आ गया होगा, तो दोस्तों वो तीन मैजिकल चीजें करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एग्जाम आ रही है तो शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, अगर नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचाते रहूंगा, मेरी मदद आप तक पहुंचाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।